बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेसन वी डिफाइंड न्यूमैटिक्स एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ न्यूमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study and applications of pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics. सबने recall कर लिया pneumatics की definition को? कुछ याद आया? हमने पढ़ा था basically gas pressure in container को। हमने देखा कि gases exert pressure और उसी pressure से, उसी gas की जो pressure है और उसकी जो स्टडी है, जो मुतालिया है, तो फिर क्या चीज़ है कि उसको एक ब्रांच, जो उससे मुतलका जो ब्रांच है उसको हमने नाम दे दिया न्यूमैटिक का, या न्यूमैटिक्स सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो इन न्यूमैटिक सिस्टम आज हम जो करने जा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमैटिक सिस्टम्स। ठीक है जी, तो न्यूमैटिक सिस्टम की जो एप्लीकेशन है वो आज हम करेंगे कि किस तरह से इन आवर डेली रूटीन लाइफ हम गैस प्रेशर को यूज करते हुए बहुत सारे काम अपने आसान कर लेते हैं। ओके जी, फॉर दिस पर्पस यू हैव टू ओपन योर बुक्स एट पेज 106। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 106 एंड द की टर्म्स ऑफ टूडेज लेसन आर ऑटोमोबाइल्स, स्प्रे गन्स, डेंटिस्ट्री टूल्स। ये हमारे आज के की टर्म्स हैं जिनको हम आज के लेसन में गो थ्रू करेंगे। ओके जी, नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज 106। ओके जी, हियर वी आर एंड दिस वन इज द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड इन इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ पे यूज होती है अभी हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में कहाँ कंप्रेस्ड एयर को यूज किया जा रहा है और डेली लाइफ एक्टिविटीज में कहाँ यूज कर रहे हैं। तो सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर मेंशनड। नंबर वन, वी हैव पॉइंट वाइज हमने इसको बुक में देख लेना है। और हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने सेव करना है अपने माइंड्स में और गो थ्रू करना है डिफरेंट टर्म्स को। ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। ये पिक आपके सामने है, दीज आर द ऑटोमोबाइल टायर्स। ठीक है जी, इसमें क्या है, क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड एयर होती है ताकि स्मूथ रनिंग हो सके व्हीकल्स की, व्हीकल्स हमारे स्मूथ चल सकें। तो हम क्या करते हैं, एयर जो है वो, कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज करते हैं किस मकसद के लिए, ऑटोमोबाइल टायर्स में। ठीक है जी, फॉर द रनिंग ऑफ व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए। नंबर टू पे आप देख सकते हैं आपके सामने है स्प्रे गन्स। ये देखिए आपने, ये पिक आपके सामने है, यू कैन सी इन दिस पिक। आपने अपने घर पे भी पेंट वगैरह करवाएं, स्प्रे करवाएं, तो इसमें यूज होती है गन, ये बनी हुई होती है। तो प्रेशर के साथ जो है ना वो गैस, एयर जो है इसमें से गैस जो है वो आउट होती है जिससे हम स्प्रे वगैरह करते हैं। तो स्प्रे गन्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट, तो पेंट वगैरह करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए, उसके बाद आप आ जाएंगे पेज 107। ओके जी, दिस वन इज 107, एयर पावर्ड मोटर्स। अच्छा, कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जो एयर पावर्ड से चलती हैं। ठीक है जी, तो उनको एयर पावर्ड मोटर्स का नाम दिया जाता है। ये आपकी, ये जो नजर आ रही मोटर आपको इस टाइप की, ये कहलाती है हमारी एयर पावर मोटर। यूज कंप्रेस्ड एयर टू वर्क, अब ये भी कंप्रेस्ड एयर से ही काम करती है। ठीक है जी, सच मोटर्स आर यूज्ड एट द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट सूटेबल फॉर सेफ्टी रीजंस। अब सेफ्टी रीजंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो क्या है, वो सूटेबल नहीं होती।
मे बी पानी के अंदर अगर मोटर इस्तेमाल करनी है तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो थोड़ा डेंजरस है कि उसको यूज़ किया जाए, तो इसलिए क्या किया जाता है फिर, तो इस एयर पावर्ड मोटर को इस्तेमाल कर लिया जाता है। ओके जी, नंबर 4 पॉइंट इज कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ऑपरेट एयर पावर्ड यानी न्यूमैटिक टूल्स लाइक हैमर्स ड्रिल्स एटसेट्रा। तो कंप्रेस एयर और कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, एयर पावर्ड टूल्स भी होते हैं जिनमें कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है, उसमें हैमर्स हैं ड्रिल्स हैं और इसी तरह की कई और चीज़ें। तो नंबर 5, द कंप्रेस्ड एयर इज आल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। अब ब्रेक सिस्टम में भी जो है ना ये यूज होती है, ठीक है। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस, अब ब्रेक पैडल को यहाँ पे देखें पिक में, ये ब्रेक पैडल को जब प्रेस किया जाता है ना तो द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। तो स्टोरेज टैंक से क्या होता है, कंप्रेस एयर जो है वो रिलीज होती है। दिस एयर पुशिज द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील। अब मूविंग व्हील के अगेंस्ट जो है ये क्या करती है, उसको स्टॉप करने के लिए पुश करती है उसको, ठीक है जी। तो इस तरह से फिर ब्रेक अप्लाई हो जाती है। नंबर 6 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग। तो डेंटिस्ट्री यूज क्या होता है, यानी ये जो डेंटिस्ट यूज करते हैं ना, जो दांतों का इलाज करते हैं, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों में डील करते हैं डॉक्टर्स, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके डिफरेंट किस्म के जो उनके पास होते हैं टूल्स, वो भी कंप्रेस्ड एयर से ही चलने वाले होते हैं। तो इट इज़ सेफर फॉर द पेशेंट, और ये पेशेंट के लिए बड़ा सेफ एंड होता है, तो इसको हम कहते हैं डेंटिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके हो गए जी कंप्लीट 6 पॉइंट्स। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप ये करेंगे कि इन 6 पॉइंट्स को आप दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ के रिवाइज करके तो याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ठीक है। और क्योंकि अगर इससे मुतलका हमारा कोई क्वेश्चन है तो इसको इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हम अगले लेसन में उसको हम राइट डाउन कर लेंगे और साथ में इसको दोबारा याद भी कर लेंगे। सो आज की आपकी डायरी क्या है, आज की आपकी डायरी ये है कि लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ओके जी, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसका अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो उसको हम फिर मज़ीद इसको देख लेते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।